Hello, good morning, India. Welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. This is Muskan and I am presenting the Hindu editorial analysis on 30 November 2017. Aaiye dekhte hain aaj ki that is given by Joe Sewart. Inhone bola hai, don't wait for the perfect moment because take the moment and make it perfect. Yes, friends. देखिए जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी थिंकिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है. हमारी सेंसरी मोटर सुबह सुबह ही काम करना स्टार्ट कर देती है. चाहे आप कुछ देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, चाहे आप ब्रश करने से लेके जितने भी सुबह की चाय पीने तक जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो आपके थॉट्स चल रहे हैं, वो आपके माइंड काम कर रहा है उस टाइम पर, राइट? तो सिर्फ 50,000 ही नहीं, उससे ज़्यादा हर रोज़ हमारे दिमाग में विचार आते हैं. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए मिनिमम लगाइए कि 50,000 थॉट्स आज आपके दिमाग में आए, फिर नेक्स्ट डे 50,000, नेक्स्ट डे 50,000. और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व है लोग, तो वो रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो अगर आपने इस 50,000 में से एक थॉट को आज उठाया और सोचा कि इसे दो दिन बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा या मैं नए साल से ऐसा शुरू करूँ या इस दिन से, तो सोचे उस टाइम तक दिमाग पर बर्डन और जो एनर्जी का लेवल है वो दूसरी तरफ टिल्ट हो चुका होगा, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? कि उस टाइम आपका जो एनर्जी लेवल है वो दूसरी एक्टिविटीज़ पे लग रहा होगा, दूसरे थॉट्स पर लग रहा होगा. तो ये मैन्यूपुलेशन जो चलता है माइंड का, उसको छोड़कर जिस टाइम वो थॉट आ रहा है और आपके अंतर्मन से, अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि मुझे काम करना चाहिए, तो बस बिना सोचे समझे उस काम को कर डालिए, क्योंकि वही उस काम के लिए परफेक्ट मोमेंट है. जिस टाइम वो दिमाग में थॉट आया है, मतलब नेचर ने, इस यूनिवर्स ने आपको कंस्पायर किया है, आपको इंस्पायर किया है कि आपको ये काम करना चाहिए. और उसे इग्नोर करोगे तो उतना ही एनर्जी का लेवल और हमारी जो उस काम को करने की इच्छा शक्ति है वो कम होती जाएगी. इसीलिए जो मोमेंट्स मिला है उसको परफेक्ट बनाइए, क्योंकि वो मोमेंट्स तो देखिए लाइफ में दोबारा आने वाला नहीं है. इसलिए बी बोल्ड, बी स्ट्रांग एंड स्टे पॉजिटिव, हैव ए नाइस डे अहेड. आइए देखते हैं आज की वो कैब. फर्स्ट वर्ड है ओवरड्यू. ओवरड्यू का मतलब होता है हिंदी में अति देर, मतलब लेट, नॉट ऑन टाइम और डिलेड. लेट कर देना किसी चीज़ को, दैट इज़ ओवरड्यू. फिर है कर्टेल. कर्टेल होता है घटाना, मतलब कर्टेल करो किसी चीज़ को, लाइक डेप्राइव, स्ट्रिप, प्रिवेंट. प्रिवेंट समवन ऑफ हैविंग समथिंग, ओके? कर्टेल कर देना किसी के राइट. फिर है रेडिकलाइज. रेडिकलाइज का मतलब होता है कट्टरपंथी जो होते हैं वो होते हैं रेडिकलाइज. टू कोज टू फॉलो रेडिकल वेज, पर्टिकुलरली इन पॉलिटिक्स, मतलब कट्टरपंथी धारणा जो लेकर चलते हैं वो होते हैं रेडिकल लोग. फिर है आयरोनिक. आयरोनिक का मतलब लोहे का, पैराडॉक्सिकल, ऑड या स्ट्रेंज. हिंदी में तो इसका मतलब देखिए ये शो होगा गूगल पे, बट इसके जो सिमिलर वर्ड्स है दैट इज़ ओड, मतलब कुछ अजीब सा या स्ट्रेंज सा या पैराडॉक्सिकल जो है उसे बोलते हैं आयरोनिक. देन है कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कारावास, कस्टडी में लेना, कैप्टिविटी में लेना, डिटेंशन होना, ओके? और रेस्ट्रेन होना. ये था क्या? कन्फाइनमेंट. फिर है एनल. एनल का मतलब होता है समाप्त कर देना किसी चीज़ को, अंत कर देना, नलीफाई कर देना, इनवैलिडेट कर देना, डिक्लेयर कर देना या इनवैलिड कर देना. देखिए एक वर्ड्स के आप इतने सारे सिमिलर वर्ड्स देख रहे हो तो आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं. मेमोराइज करने की वो मत करो. डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली आपके दिमाग में आपकी वोकैब इंक्रीज होती जाएगी. फिर है शैम. शैम का मतलब होता है प्रीटेंस, मतलब फेक है कोई चीज़ या फ्रॉड है तो वो शैम है, ओके? इम्पोस्चर. देन रूस. रूस का मतलब होता है चाल चलना, प्लॉय करना, स्ट्रेटजम करना या टैक्टिक या ट्रिक, दैट इज़ रूस. फिर है स्कटल. स्कटल का मतलब होता है विफल कर देना, ओके? Deliberately cause to fail, hurry or hasten, that is scuttle. फिर है reservation. reservation का मतलब होता है आरक्षण, doubt, qualm and skepticism, that is reservation. So आइए देखते हैं आज का first editorial. ये आया है हमारा ट्रॉफी हंटिंग पे.
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रॉफी हंटिंग होता क्या है आखिर में। तो देखिए ये होता क्या है, ये मतलब स्पेशली कुछ सिलेक्टिव लोगों को हंटिंग करने का मौका दिया जाता है। इट्स ए वाइल्ड गेम, ओके। कुछ ही लोगों को ये मौका मिलता है, तो उनको जिनको ये चांस दिया जाएगा, बाद में उनको ट्रॉफी के रूप में उस एनिमल के पार्ट्स हैं जैसे वो रखने के लिए दे जाएंगे, जैसे उसके सींग रखने के लिए दिए जा रहे हैं, या हाथी है उसके दांत दिए जा रहे हैं, तो ऐसे उसे ट्रॉफी के रूप में अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या होता है, काफ़ी जो ओल्ड या जो मैच्योर एनिमल्स हो चुके हैं, तो देखिए वो क्या हो जाते हैं उस टाइम, बर्डन ही हो जाते हैं उस एरिया पर। तो उनको हंटिंग करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ की क्या करती है, परमिट कर देती है। इसके लिए कुछ लोग, मतलब ये चलता क्यों है ये गेम, ये इसलिए चलता है, देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को शिकार का बहुत शौक होता है, तो लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए होते हैं कि उन्हें मौका मिले। ऐसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं उनमें, तो गवर्नमेंट उनको ही मौका देती है, या कोई ऐसा एनिमल है, खूंखार एनिमल है, तो उसको मारने के लिए भी यहाँ पर अवसर दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रॉफी हंटिंग। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्लियर तो मैं और कैसे समझाऊँ आपको। तो आइए देखिए, फिर है एडिटोरियल जो आया है, वो आया है हमारा कि हंटिंग फॉर सॉल्यूशन, लाइक मतलब क्या ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो इंडिया और केन्या है, तो इसमें तो 1970 से बैन है हंटिंग करना, राइट, क्योंकि आप जानते हो सलमान खान का केस बहुत पॉपुलर है, ओके। कुछ ऐसा ही उन्होंने किया था, सो आज तक वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो हंटिंग इज़ बैंड इन इंडिया सिंस 1970। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं उस चीज़ का, कि हंटिंग बैन भी है लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है उसकी पॉपुलेशन फिर भी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, फिर भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। लेकिन कंपैरिजन करते हैं कि अगर इंडिया केन्या का कंपैरिजन करें हम साउथ अफ्रीका या नामीबिया, नामीबिया क्या है, साउथ अफ्रीका जहाँ है उससे ऊपर ही आता है नामीबिया। अभी लास्ट में जब हम ज्योग्राफी बूस्टर में डिस्कस करेंगे मैप को, तब हम देखेंगे उसको। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए जो हंटिंग है वो अलाउड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वहाँ पर क्या है, देखिए मीट है, उसको सेल भी किया जाता है, तो वहाँ पर लोग पशुपालन भी ज़्यादा करते हैं, वाइल्ड लाइफ है उसको बढ़ावा भी दिया जाता है, तो ये रीज़न यहाँ पे बताया गया। साथ में पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया गया कि पाकिस्तान में एक टॉगर वैली है, तो वहाँ पर स्टेट हॉर्न मार्कोर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही थी, तो उसे ट्रॉफी हंटिंग में लाया गया, तो उसकी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, ओके। सो वे फॉरवर्ड में यही बोला है, देखिए चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे, बिल्कुल उतना सिंपल चीज़ों को समझोगे आप, अच्छे से समझ पाओगे, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत होइए, क्लैरिटी रखिए अपने दिमाग में। सो यहाँ पे बोला गया कि अगर हाई वैल्यू होगी ट्रॉफी हंटिंग की, तो क्या होगा, लोअर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होंगे। जितनी ट्रॉफी हंटिंग मतलब ज़्यादा होगी, उतनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग में स्पेशल कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा, गवर्नमेंट उनसे फंड लेगी और वो पैसा देंगे और वहाँ पे हंटिंग करेंगे, तो बाकी कोई ऐरा गहरा जाके वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता, तो लोअर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो जाएंगे, जिससे क्या है, जिससे हमारे एनवायरमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ के साथ रिवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चांसेस आ जाते हैं करप्शन के, कि जो करप्शन है, काफ़ी सारे जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, करप्शन करने लग जाते हैं, कहीं से ज़्यादा पैसा मिल रहा है या अपने कुछ लोगों को ही मौका देने लग जाते हैं, तो करप्शन पहले आता है, तो ये चीज़ इसमें बोली गई। तो यहाँ पर बोला गया कि नीड टू इवेल्युएट थ्रू सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फ्रेम, हमें सोशो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल फ्रेम्स देखने की ज़रूरत है, साथ के साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है या वहाँ का जो कल्चर है उस कंट्री का वो कैसा है। काफ़ी सारी कंट्री होती है, देखिए वहाँ पर एनिमल्स को ऐसे मतलब एज ए फैमिली मेम्बर कंसिडर किया जाता है, तो और काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी है जिनको
जो दूसरे तरीके से उसको कंसिडर करती है, मतलब कंट्रीज ऐसी हैं। सो यहाँ पर कल्चर पे डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए रूरल अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, एनिमल्स और जो पीपल हैं वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं, काफ़ी आसपास रह रहे हैं, क्योंकि जो एमएनसीज हैं वो क्या है, वो एरिया, लैंड एरिया को ग्रैप करती जा रही है, तो इसीलिए वो मजबूर हैं, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वाइल्ड एनिमल्स का वो कम होता जा रहा है। तो इसीलिए ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसे एरिया में तो ट्रॉफी हंटिंग काफ़ी कामयाब है, लेकिन कुछ एरिया है जहाँ का कल्चर कुछ अलग होता है, तो वहाँ पर कल्चर को देखते हुए ऐसे कदम उठाने चाहिए। बट राइटर ने साथ ही साथ बोला कि इंडिया में भी अगर ऐसे कुछ कदम उठाए जाए तो ट्रॉफी हंटिंग काफ़ी सक्सेसफुल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और कंजर्व करने के लिए। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। इसे हम कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सो जो लाइन आपको नहीं यहाँ पे आएगी उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए सब हेडिंग से यहाँ पे पहले देखते हैं हम, द शिफ्ट टू प्राइवेट एजुकेशन इज़ नॉट गुड गवर्नमेंट स्कूल और टू बी द ड्राइवर ऑफ चेंज। मतलब क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं कैसे कैसे केसेस भी आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर यहाँ तक कि सेफ भी नहीं है, तो एजुकेशन तो दूसरा मोटो रह जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर यही बोला गया कि गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तो बाकी हिस्सों पर ध्यान देने से क्या होगा। सो आइए पढ़ते हैं यहाँ पर कि द अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रेडिक्शंस, जीन ट्रेजी एंड अमृता सेन बिगिन देयर चैप्टर ऑन द एजुकेशन विद कोट फ्रॉम रविंद्र नाथ टैगोर, द इम्पोजिंग टावर ऑफ मिजरी विच टूडे रेस्ट ऑन द हर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स सोल फाउंडेशन इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए ये कोट को आप लिख सकते हो क्योंकि ऐसे राइटिंग में काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो काफ़ी सारे ऐसे राइटर हैं, जैन ट्रेजी हैं या अमृता सेन हैं, तो अपने चैप्टर्स को ऐसी कोट से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, खोखला हो चुका है इन एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये सबसे बड़े दुख की बात यहाँ पे रह गई है। तो आज से पहले, जो 90 साल पहले यहाँ पे बोला गया, जो एजुकेशन सिस्टम था, आज भी वही देखने को मिलता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है एजुकेशन में, बट अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वो जो के तो हैं, वहाँ पर इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स एक तो देखिए जो हिली एरिया में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन एरिया काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आप हिली रीजन्स में जाओगे, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर लोग क्या है, प्राइवेट स्कूल्स की बजाय गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़, जो एजुकेशन है उसका लेवल बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर यही बोला गया है, देखिए, वाइल इंडिया हाईलाइट्स इस एवर इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल एजुकेशनली, इट इज़ टेरिबल अंडर परफॉर्मर। देखिए आज के टाइम में फ्रेंड 3 करोड़ से ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन या तो वो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। तो यूथ हमारा सबसे ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन में, तो यूथ की हमें कमी नहीं है, लेकिन बात है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की। और ये जो आर्टिकल आया है ये स्कूल लेवल पे आया, कि स्कूल लेवल पे ही क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सिंक हो रहा है हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नींव है एजुकेशन सिस्टम की। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, कितने सारे डीसीज हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जाके देखते हैं, तो स्कूलों में स्टूडेंट से, छोटे छोटे स्टूडेंट से पूछते हैं तो उन्हें काउंटिंग्स भी नहीं आती है 5th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो ये हाल एजुकेशन का हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, देखिए कि ये काफ़ी एम्ब्रेस्ड है टू पार्टिसिपेट इन OECD प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट कवरिंग रीडिंग एंड कंप्यूटेशनल स्किल फॉर 15 ईयर्स ओल्ड। देखिए आपको पता है कि काफ़ी सारे जो फॉरेन के स्कूल्स हैं वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपने 10th में अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो वो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि 15 साल तक के भी जो बच्चे हैं उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, या वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। सो द सक्सेसिव स्टडी हैव रिपीटेडली एस्टेब्लिश दैट ए मेजोरिटी ऑफ दोज इन ईच क्लास इन इंडिया हैव एजुकेशनल अटेनमेंट्स मच लोअर देन द वन दे आर इन। मतलब जो हमारी अटेनमेंट्स है आज के टाइम में भी काफ़ी लो जा रही हैं,
So, data from the Ministry of Human Resources Development show that only half of all students who enter primary school make it to the upper primary level. देखिए जो primary है वो 5th class तक होता है और upper primary होता है हमारा 6th to 8th class तक आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 5th class तक तो ठीक है, बच्चे आ जाते हैं, उनको मिड डे मील मिलता है या अदर फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन इससे आगे जो डाटा देखने को मिल रहा है वो डिक्रीज हो जाता है. मतलब कम स्टूडेंट आ रहे हैं 6th टू 8th में. और उसके बाद अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी में भी दो आ जाएंगे कि ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9th और 10th, यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे लोअर सेकेंडरी में, और अपर सेकेंडरी में 11th 12th आ जाएंगे. तो यहाँ पर भी ये डाटा हमें कम देखने को मिलेगा कि 10th तक ठीक है, कई बच्चे 10th पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं और 11th 12th तक भी रेशो बहुत कम जा रहा है. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि 50 मिलियंस क्या है, गेट इन टू द 9th 12th क्लास साइकिल, कि सिर्फ 25 मिलियंस है जो इस साइकिल तक पहुंच पाते हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक. सो वी हैव अराउंड 1 मिलियन प्राइमरी स्कूल एंड ओनली हाफ दैट नंबर एट अपर प्राइमरी लेवल. कि प्राइमरी स्कूल्स तो देखें, ये भी बहुत बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया राइटर ने, कि आप देखोगे प्राइमरी स्कूल तो है गवर्नमेंट उसमें, लेकिन अपर प्राइमरी बहुत कम है. आप बच्चों के लिए अगर सोर्स देखने लगोगे तो प्राइमरी एजुकेशन उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, ये राइट भी है, बट अपर प्राइमरी वहाँ पर नहीं इतनी फैसिलिटीज़ मिलती. सो द नंबर ऑफ द सेकेंडरी स्कूल इज लेस देन 1,50,000 फॉर ए कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन. मतलब जो हायर सेकेंडरी की बात करें तो वो तो स्कूल्स की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाती है, 1.5 लाख तक हो जाती है, जहाँ पर 1.3 बिलियन की नीड है. एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे तो 11th 12th के लिए तो बिल्कुल 1 लाख पे चला जाता है. मतलब ये क्या है, डिक्रीज़ होता जा रहा है. ऐसे ये कुछ बनेगा इसका डायग्राम, कि प्राइमरी लेवल पे बिल्कुल कम, मतलब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ये नैरो होता जाता है जो इसकी प्रोग्रेस है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स ही कम है, तो उसके बाद दूसरे को ब्लेम हम कैसे करें, दूसरे सोर्सेज तो उसके बाद आ जाते हैं. उसके बाद सेकेंड रीज़न आता है कि जो टीचर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है. और आप देखोगे टीचर हैं तो वो इतने एजुकेटेड नहीं मिलते हैं या इतने मोटिवेटेड नहीं होते, इतना ध्यान नहीं देते हैं एजुकेशनल सिस्टम पर गवर्नमेंट स्कूल्स में. सो ऐसा नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स इंडिया में ही हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, लेकिन वहाँ का लेवल अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इट इज़ द टाइम दैट इंडिया बिगिन व्यूइंग स्कूल एजुकेशन एज ए क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड गिव इट द स्टेटस ऑफ ए वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे मेन महत्वपूर्ण हिस्सा आता है एजुकेशन, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अब गवर्नमेंट को. इट्स द हाई टाइम. सो एज ऑल इन द कंट्री एफर्ट हैव फेल्ड, वी शुड गो इन फॉर ए रेडिकल ओवरहॉल और ऑफ आवर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ कंट्री दैट हैव एन अमेजिंग रिकॉर्ड इन द प्रोवाइडिंग क्वालिटी स्कूल एजुकेशन. जैसे फिनलैंड है, तो हम क्या है, हम अगर आप इतना क्रिएटिविटी में नहीं कुछ कर रहे हो तो ठीक है, आप दूसरों से तो सीख सकते हो ना. दूसरी कंट्रीज़ तो हमें एग्जांपल दे रही है, फिनलैंड जैसी कंपनी, तो उनका लेवल इतना अच्छा है, तो वहाँ से हम क्वालिटी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि किस तरीके से वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है फ्रेंड्स, देखिए इस रेशियो पे तो, कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है, उस पे तो जमकर सब फोकस कर रहे हैं कि ये देखिए ये रेट बढ़ गया, इतने बच्चे एजुकेट हो गए हैं, लेकिन
किस तरीके की एजुकेशन पास ऑन हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं ना। सो आगे जाके फिर वही देखने को मिलता है। सो इफ ओनली इंडिया हैज़ बिगन रीवैम्पिंग स्कूल एजुकेशन एट द स्टार्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इट वुड बी नाउ हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ वेल एजुकेटेड एंड हाईली ट्रेंड वर्कर्स। हम जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, यूथ है, तो यूथ की कमी नहीं है और एनर्जेटिक और टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। गांव हो हमारे चाहे शहर हो, बराबर के टैलेंटेड लोग वहाँ पे रहते हैं और कंपीट कर सकते हैं टॉप लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, बट ज़रूरत है उनको चांस की। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आप उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, ये स्कूल है वहाँ पे, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करें। सो ये बातें यहाँ पे कही गई है। सो बाय इंश्योरिंग दे गेट अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। आप एग्जाम्पल तो देते हो कि हमारे NRIs ये कर रहे हैं, लेकिन कितना परसेंट, ये तो देखे आपके परसेंट से कितने, आपके इंडिया से कितने परसेंट पास आउट हो रहे हैं और कितने वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की ज़रूरत है अगर उन्हें वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करवाना है। सो ये सारी बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अ ट्रांसफॉर्मेशनल इंडिया नीड्स टू ओवरहॉल इट्स एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, इवेल्युएट करना है आपको कि इंडिया है ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी सशक्त चाहिए। आपको इवेल्युएट करना है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों साइड रख के अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रखना है। तो प्लीज़ इस आंसर को अटेम्प्ट करें, बिकॉज इट्स फॉर यू गाइस। सो आइए देखते हैं आज का हमारा पॉलिटी बूस्टर। आज है आर्टिकल 75, कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था 74, तो आगे दौड़ पीछे छोड़ ये काम नहीं करना है। आर्टिकल 74 क्या है प्लीज़ कमेंट करें वीडियो के नीचे, बिकॉज इट्स फॉर यू। तो आर्टिकल 75 देखते हैं क्या है ये हमारा। ये बोलता है, ये प्रोविजंस है मिनिस्टर्स के लिए। क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। और बाकी जो अदर मिनिस्टर्स होंगे ओके काउंसिल में, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो यहाँ पर मतलब डायरेक्टली पावर किसकी है, किसकी एडवाइस पे करा है? प्राइम मिनिस्टर की। तो जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिर्फ ये सेरेमोनियल पोस्ट है प्रेसिडेंट की, क्या रबर स्टैम्प पोस्ट है, तो आप आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो पावर्स हैं, मिलिट्री पावर है, जो भी पावर्स हैं या एमरजेंसी की पावर है, वो मेंशन कर सकते हो, राइट। फिर है देखिए कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या है, प्लेजर का मतलब ये है कि देखिए जो प्रेसिडेंट है वो इनको हटा भी सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकता है अगर मेजोरिटी उसके, मेजोरिटी नहीं है उसके साथ में। तो प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकता है, साथ में वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं उनको भी हटा सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो फिर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए। फिर है कि जब भी कोई मिनिस्टर एंटर करेगा ऑफिस में, तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा उसको, उसको ओथ दिलवाएगा उस ऑफिस की, सीक्रेसी की ओथ दिलाएगा। ये आता है हमारे थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और, ये क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये 15% होना चाहिए लोकसभा की टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका, टोटल जितने मेंबर्स हैं उनका 15% होना चाहिए, और ये इंक्लूडिंग PM आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी यहाँ पे मिनिस्टर होगा उसको आने वाले 6 कंसेक्यूटिव मंथ में क्या होगा, मेंबरशिप लेनी होगी पार्लियामेंट की, नहीं तो रद्द हो जाएगी उसकी यहाँ पे मेंबरशिप। फिर है जो उसकी सैलरी और अलाउंसेज है वो क्या, कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और चेंज हो सकता है अमेंडमेंट्स के द्वारा, ठीक है। ये आता है हमारा सेकंड शेड्यूल में। एंड एक और मेन पॉइंट है कि अगर कोई क्या है, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ का आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो कोई क्या करता है, ऐसे दल बदलू कोई नेता होता है, तो उसकी यहाँ पर मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। ये आर्टिकल हमारे 10 में आता है, शेड्यूल 10 में आता है।
सो आइए बढ़ते हैं हमारे ज्योग्राफी बूस्टर की तरफ। हमने कवर कर लिया था मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। इसका जो हमने शॉर्ट फॉर्म बताई थी दैट इज मैटली। ओके, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ताकि आपको ये याद रहे, सीरीज में याद रहे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मॉरिटियाना, उसके बाद आता है माली, उसके बाद नाइजर, उसके बाद आता है चड, उसके बाद सूडान, और यहाँ पर इथोपिया एंड सोमालिया। तो इसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बनती है, देखिए मामा भी बन सकती है, या यहाँ पर आपको बाई नेम ही याद करने का बहुत अच्छा है, मोरा माली ने चादर सुखाई, मोरा माली ने चादर सुखाई, या मामा ने चादर सुखाई। ओके, तो यहाँ पर मोरिटियाना हो गया, माली हो गया, नाइजर, चड, सूडान एंड इथोपिया, और ये हॉर्न से तो ये अलग कंट्री है, सोमालिया, ये तो सबको याद रहता है। ठीक है, तो मामा ने चादर सुखाई या मोरा माली ने चादर सुखाई, आप दोनों ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। तो आइए देखते हैं मोरिटियाना, मोरिटियन की जो कैपिटल है वो है नॉकशूट। मेन इसको देखते हैं कि इसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है। देखिए अल्जीरिया के साथ लगती है, मोरक्को के साथ यहाँ से इसकी बाउंड्री लगती है, यहाँ पर माली के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और सीनेगल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पर इसका जो एरिया, छोटा सा ये एरिया आ जाएगा, ये कोस्टल एरिया है, ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ता है इसके कोस्टल एरिया में, और बाकी यहाँ पर डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेमी एरिड रीजन ये रहता है, तो मिली जुली यहाँ पर जो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी मॉरिटियाना में। तो ये वाले जो मेनली रीजन रहेंगे ऊपर फ्रेंड्स, तो इनका जो क्लाइमेटोलॉजी है वो सबकी लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती मिलेगी। बट जो मेडिटेरियन सी के पास है ऊपर, ओके, मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, तो उनकी उनका क्या है, मेडिटेरियन ही क्लाइमेट मिलेगा। मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट क्या था कि ड्राई समर और रेनी विंटर वहाँ पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी बूस्टर, आई होप यू लाइक इट। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूले, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले, और अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, हैव ए नाइस डे अहेड चैंपियंस, बाय बाय।